नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे फिर वही रिक्वेस्ट जो हम हर बार करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाके ये मत लिखिए कि आप किस कंपनी से जुड़े हैं, कंपनी के बारे में मत लिखिए, प्लान, प्रोडक्ट सब कुछ आपका बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं, लेकिन कमेंट में जाके ये मत लिखिए। अगर लिखें तो ये लिखें कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, आज आपको क्या सीखने को मिला, आप किन लोगों से इस कार्यक्रम में मिलना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेसफुल लोगों को एक मंच पर लेके आएँ, अलग क्षेत्रों के कामयाब लोगों को भी हम इस माध्यम से सुने और उनसे ज़िंदगी में हम लोग सीखें। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आती रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। आज मैं बहुत रोमांचित हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली वजह यह है कि आज का हम प्रोग्राम कलकत्ता में शूट कर रहे हैं, सिटी ऑफ जॉय। एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिनसे न केवल मात्र मैंने बहुत कुछ सीखा अपितु डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में उनसे सीखा है। उन्होंने 15 किताबें लिखी हैं जो 12 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत सारे उनके ऑडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की डिटेल जानकारी उनके पास में है। वो जिस मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं उसके वो टॉप अर्नर्स हैं, न केवल मात्र इंडिया में अपितु विदेशों में भी उन्होंने अपने नाम की धाक जमाई है और भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। इसके साथ उनकी एक और विशेषता है कि वो समाज सेवा में बहुत रुचि रखते हैं। पश्चिम बंगाल में चूंकि वो रहते हैं तो पश्चिम बंगाल की गरीब बस्तियों में, गाँव में जाके लोगों के उत्थान के लिए जो भी काम हो सकते हैं, चाहे वो उनके लिए सर्दी में उनको कपड़े देना है, चाहे साफ़ सफाई के लिए ध्यान रखना है, चाहे उनके जो मकान हैं उनके लिए अगर कुछ हेल्प की आवश्यकता है तो वो करना है, वो सब काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है 8 मार्च, उसको लेके वो कार्यक्रम करते हैं। वो महिलाएं जो दूसरों के लिए प्रेरणा है उनको सम्मानित किया जाता है वहाँ पर। तो ये सारे काम एक साथ में करते जा रहे हैं। एक मैगज़ीन है बिज़नेस इंडिया मैगज़ीन। बिजनेस इंडिया मैगज़ीन ने 2017 में हिंदुस्तान के 50 बिजनेसमैन को चुना और उनमें भी उनका नाम शुमार है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी का सब्जेक्ट है हम सब के लिए। सो आपकी क्यूरियोसिटी और न बढ़ाते हुए पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। विश्व विख्यात मानव प्रशिक्षक और प्रेरक के नाम से मशहूर सूर्य सिन्हा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मानव प्रशिक्षक, प्रेरक और लेखक होने के साथ साथ सूर्य सिन्हा करियर तथा व्यक्तित्व विकास के भी प्रशिक्षक हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित भारत के अन्य शहरों के प्रतिष्ठित शैक्षणिक डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में अपनी प्रेरणादायक व्याख्यानों के लिए चर्चित सूर्य सिन्हा की अब तक कई प्रेरणादायक पुस्तकें बाजार में बेस्ट सेलर बन चुकी हैं। और यही नहीं, इनकी विभिन्न विषयों पर प्रेरणादायक ऑडियो कैसेट्स भी मार्केट में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग व सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़े कई विषयों पर अब तक 15 किताबें लिखी हैं जो 12 भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। इन्हें भारत के बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में भी जाना जाता है। वे लोगों को प्रेरित करने के अलावा कई सारे सामाजिक कार्य भी करते हैं। वे जरूरतमंदों और असहाय लोगों में भोजन वितरित करते हैं। गर्मी और सर्दी हर मौसम से बचने के लिए गरीब लोगों में कपड़ों का भी वितरण करते हैं। साल में कई बार सूर्य सिन्हा रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। साथ ही वो लोगों को निशुल्क चिकित्सा सेवा भी प्रदान करते हैं। क्रिसमस के दिन वो बच्चों को खुशियां प्रदान करने के लिए खुद सांता क्लॉज का रूप धारण करके गरीब बस्तियों में जाते हैं। गरीब परिवार जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा तक करना मुश्किल होता है, ऐसे परिवारों के बच्चों को वो निशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन बेटी को शिक्षित कराना, उनको निशुल्क शादी करवाने की जिम्मेदारी लेना, ये करते हैं सूर्य सिन्हा। सभी गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के लिए ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती है और इस कार्य में भी सूर्य सिन्हा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
स्वच्छ भारत अभियान का पालन करते हुए उन्होंने कई बार लोगों के साथ मिलजुल कर अपने हाथों में खुद झाड़ू थामकर सफाई अभियान को आगे बढ़ाया। सूर्य सिन्हा को संगीत और फिल्मों से भी बेहद लगाव है। यही वजह है कि वो हमेशा मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। सभी कार्यों के साथ साथ उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में भी इतिहास रचा है। वो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं श्री सूर्य सिन्हा जी। सूर्य सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रियली मैं अपने दिल से कहूँगा, दर्शकों से भी कहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे सुरेंद्र वत्स जी के साथ बैठने का मौका मिला। आप जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इस प्रोग्राम को जब मैंने सुना तो मुझे बेहद खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि एक पहला प्रोग्राम आप एक ऐसा तैयार कर रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है। सर, जब आपने कहा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड एक टॉक शो कर रहे हैं आप सर, तो इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी और मेरे दिल ने कहा कि मुझे आपके साथ काम करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में बैठना चाहिए और यदि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया। सर, विश्वास मानिए दोस्तों, आज से पहले बहुत से लोगों ने कोशिश किया कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं, उनके चैनल्स पे जाऊं, और नहीं गया। मगर सिर्फ सुरेंद्र जी आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि जिसके कारण मैं आपके साथ बैठा हूं और आप इतने अच्छे विषय को लेकर कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सर, इसके ऊपर टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझ रहा हूं और आपको थैंक्स बोलूंगा कि आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए याद किया। थैंक यू सो मच सर। जब एक्चुअली हमारे कमेंट में जाके लोग नाम लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में लिखा कि आप सूर्य सिन्हा जी से हमारी मुलाकात करवाइए। तो चूंकि आपका इतना बड़ा नाम है और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बातचीत करूं, कहां से शुरू करूं, और देखिए सर, ये महान लोगों की ही विशेषता होती है कि वो बहुत सम्मान करते हैं दूसरों का। तो मैंने आग्रह किया कि हमारे व्यूअर चाहते हैं और आपने उसको तुरंत स्वीकार किया। ये हमारे लिए, इस चैनल के लिए आज एक बड़ा दिन है सर। ये मेरा सवाल। थैंक सर। जैसा मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, आपने बहुत सारे काम किए ज़िंदगी में। आपने लेखक के रूप में काम किया, आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिनों तक आपने वहाँ पे काम किया, और फिर अचानक ऐसा कैसे दिमाग में आया कि चलो डायरेक्ट सेलिंग में एज ए डायरेक्ट सेलर काम किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर। देखिए, मैं पहले फिल्म इंडस्ट्री में था सर, जैसे आप भी जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में मैं बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचा, मगर फिल्म इंडस्ट्री कभी भी सेफ एंड सिक्योर नहीं है। राइट, वहाँ कभी भी कुछ हो सकता है जी, रातों रात बदलाव हो जाता है। अच्छा, राजा से कोई रंग बन सकता है और रंग से राजा का बन जाएगा वहां पर कुछ नहीं। अच्छा, रात रात में एक बंदा शख्स राजा है वहां पे, अगले दिन मालूम चला वो गरीब हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया। अच्छा, ऐसी घटनाएं होती है। करोड़ों रुपए लगा दिए उसने अपने प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट उसका सुपर फ्लॉप हुआ तो क्या होगा? मार्केट से ही पैसा उठा लिया उसने करोड़ों रुपया, और वो जिस प्रोजेक्ट में लगाया वो सुपर फ्लॉप हो गया तो आ गया गरीब हो गया। ठीक इसी प्रकार कोई शख्स मुंबई में गया, उसने एक प्रोजेक्ट में काम किया कहीं पर, गरीब था, कुछ नहीं था, और वो प्रोजेक्ट हिट हो गया, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया और वो रातों रात रंग से राजा बन जाता है। वंडरफुल, राइट राइट। तो मुंबई इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, वहां पर कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा, कभी भी कुछ हो सकता है। मैं इंडस्ट्री में अच्छे मुकाम पर पहुंचा, एक दिन ऐसा आया कि मैं भी बैंकक्रप्ट हो गया। अच्छा, जब बैंकक्रप्ट हुआ तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मेरे पास तीन उपाय नजर आ रहे थे सर। एक उपाय ये नजर आ रहा था कि मैं मुंबई इंडस्ट्री में ही रहूं और वहां पर दोबारा से काम करूं जीरो बनकर, और अपने आप को दोबारा से रीस्टैब्लिश करूं। राइट, जब मैंने इस विषय पर सोचा तो मुझे थोड़ा ये टफ लगा,
तब फिर से लगा कि मैं दोबारा से जीरो बन के काम करूंगा और लोगों के पास काम मांगने जाऊंगा जिन्हें कभी मैं काम दिया करता था। मेरे असिस्टेंट्स बड़े बड़ी जगह पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़े मुकाम पर पहुंच गए, अब मैं जाके उनसे काम मांगू? राइट। मैंने अपने आप को झुकाना या गिराना उचित नहीं समझा, तो इसलिए इस पहले ऑप्शन को मैंने काटा लगा दिया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन बहुत आसान था। ऑप्शन ये था कि मैं आत्महत्या कर लूं। ओहो, ऐसा सोचा आपने? जी हाँ, मैं आत्महत्या कर लूं। ये मेरे लिए बहुत आसान था कि खत्म हो जाए सारी जिंदगी के झमेले खत्म, अब मुझे आगे जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा। और विश्वास मानिए, मैंने आत्महत्या करने की कई कोशिशें की। रियली? मगर मैं आत्महत्या नहीं कर पाया। जब भी मैं आत्महत्या करने जाता, कोई ऐसी घटना होती जो मुझे आत्महत्या करने से डरा देती। मैं अपनी छत के टेरेस पर पहुंचा, मैंने कहा यहां से कूद जाऊं और अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि उस दौरान मेरे साथ कई ऐसी दुखद घटनाएं घटी कि मेरे को लगा अब मेरे को जीना बेकार है मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे अपने थे वो भी मेरा साथ छोड़कर जा चुके थे। अच्छा। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था। जब मैं छत पर पहुंचा, कूदने जैसे ही जा रहा था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। मेरी आत्मा ने मेरे से एक बात कही, सूर्या छलांग मारने तो जा रहे हो, अगर छलांग मार दी नहीं मरे और हाथ पैर टूट गए तो क्या करोगे? मैंने कहा पैसे भी नहीं है, अस्पताल में जाऊंगा इलाज कैसे होगा? मैंने कहा ये बात सही, अगर मैं नहीं मरा हाथ पैर टूट गए फिर मैं क्या करूं सारी जिंदगी? टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, अपाहिज बन के जिंदगी बिताना पूरी जिंदगी भर ये मुश्किल रहेगा। मैंने कहा नहीं यार, ये वाला तो सही नहीं है, इस उपाय को छोड़ो। दोबारा एक और विचार आया, रेल की पटरी में कटके मरते हैं। अच्छा, ये सीरियसली आपके दिमाग? सीरियसली मेरे दिमाग में आया। और एक दिन सुबह सुबह मैं रेल की पटरी पे पहुंच गया, अब बीच में खड़ा हो गया, सामने से गाड़ी आ रही थी। मेरे दिमाग ने कहा यार सूर्या, ये गाड़ी इतनी तेजी से आ रही है, अगर इसने धक्का मार के उसने रेल की पटरी से बाहर गिर दिया और फिर हाथ पैर टूट गए और मैं बच गया तो क्या होगा? या यदि मेरे हाथ या पैर सिर्फ कट गए और मैं बच गया तो क्या होगा? क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं में कई दफे ऐसा होता है सामने वाला बच गया, उसके हाथ या पैर कट गए, मैं कहा फिर बड़ी बात हो जाएगी, पूरी जिंदगी भर अपाहिज बन के मुझे बिताना पड़ेगा। मैं कहा नहीं यार, ये उपाय भी सही नहीं है। वापस आ गया, क्या सोचूं, सोचता रहा, घर पे आया। घर पे आने के बाद अपने छत पे देख रहा हूँ पंखा लटका हुआ है। मैंने कहा बहुत लोग पंखे से लटके भी करते हैं, तो मैंने कहा ये सही है यार। फिर तो देखा मेरा पंखा हिलता है। अच्छा। मैं कहा यार कहीं लटकूं और ये पंखा ही गिर गया तो? अच्छा। मैंने कहा यार ये उपाय भी ठीक नहीं है यार। तो मैंने कहा, मन में सोचा यार जब भी कहीं सुसाइड करने जा रहा हूं कोई ना कोई ऐसी बात आ रही है जो मुझे सुसाइड करने नहीं दे रही, इसके पीछे कारण क्या है? अच्छा। मैंने जहां तीन जगह मैं सोचा, तीनों जगह मेरे दिमाग ने कहा सुसाइड मत करो। मैं कहा भगवान चाहता है मैं जिंदा रहूं, मुझे कुछ करना है, मैं क्या करूं? सोच पड़ गया मुंबई शहर में। फिर मेरे दिल से एक आवाज आया, तीसरा जवाब ये आया, मुंबई शहर छोड़ दो। अच्छा, ओके। और किसी दूसरे शहर में जाऊं और वहां पर नए सिरे से नए काम को स्टार्ट करूं जहां मुझे कोई ना जानता हो। अच्छा। और वहां पे दोबारा से अपनी पहचान बनाऊं। ये तीसरा विचार मुझे सही लगा। अच्छा। मैंने मुंबई शहर छोड़ दिया और छोड़कर दिल्ली में एक जगह है, एक छोटी सी बस्ती है जिसे बोलते हैं बदरपुर। बदरपुर बॉर्डर। बदरपुर बॉर्डर जी के पास ही वहीं पर एक मोलड़ बन बोल के जगह है। हाँ हाँ। मैं वहां एक छोटे से कमरे में रहने लगा। अच्छा। उस छोटे से कमरे में मैंने अपनी पहचान छुपा ली। ना अड़ोसी से मिलता, ना पड़ोसी से मिलता, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, और वहां पर एक अनजान व्यक्ति की तरह मैं रहने लगा और अपने जीवन को मैं चलाने लगा। समय बीतता गया, अचानक मेरे पास मेरे एक दोस्त ने कहा
कि यार मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, अच्छा चलोगे क्या? मैंने उससे कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा किराया नहीं मेरे पास जाने का, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो यार, वैष्णो देवी जा रहे हैं, मैं लेके चलूंगा, अच्छा किराया मैं खर्च करूंगा, मेरे साथ चलो। मैंने उससे कहा मैं फिर भी नहीं जा सकता। उसने क्यों? मैं कहा मेरे माँ और मेरे बाप मेरे साथ हैं। मैं कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता। उसने कहा माँ पिताजी का भी चिंता छोड़ो, मैं लेके चलूंगा उनको भी, अच्छा मेरी तरफ से चलो। अब उसके इतने जिद करने पर मैंने हाँ कह दिया। अब वो दोस्त मुझे मेरी मदर को मेरे फादर को लेकर वैष्णो देवी गया। अच्छा मैं वैष्णो देवी पहुंचा। वहां जाने के बाद मैं माता के दरबार में जब मैं पहुंचा तो मैं वहां पर लाइन भीड़ थी काफी, ये लाइन पे लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था। मन ही मन में मैं रो रहा था, माता के पास बोल रहा था माँ तूने मुझे इतना गरीब बनाया यार कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं तेरे दरबार पर अपने पैसे से आ सकूं। माँ आज तो मैं तेरे दरबार में आ गया, मगर एक बात सुन ले, आगे से अगर तुझे मुझे बुलाना है ना मेरे अपने पास तो मुझे लायक बनाना, लायक मुझे इस लायक बनाना कि मैं अपनी परिश्रम से पैसा कमा सकूं और अपने पैसे से खुद भी आ सकूं और अपने माँ बाप को भी ला सकूं और दूसरों को भी तेरे पास ला सकूं। मुझे उस लायक बनाना ना, तभी मैं तेरे पास आऊंगा, उससे पहले मैं तेरे दरबार में अब कभी नहीं आऊंगा। यदि लायक बना तभी आऊंगा। पूरे अधिकार के साथ आपने बोला। मैं कहा बस आया हूं दूसरों की सहायता से, दूसरों के दया कर्म पर। जब तक मैं इस लायक नहीं बन जाऊंगा, जब तक मैं पैसा नहीं कमाने लग जाऊंगा, जब तक मैं अपने परिश्रम से अपने कमाए पैसे से तेरे पास नहीं पहुंचूंगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। उस दिन माता के दर्शन किए और मैं वहां से वापस दिल्ली आया। माता ने एक चमत्कार सा किया। उसके बाद जैसे ही मैं दिल्ली आया, मालूम नहीं कैसे मेरा मस्तिष्क दोबारा से खुल गया, अच्छा और मेरे सामने अच्छे अच्छे सुझाव आने लगे। मैं उन सुझावों को दूसरों को देने लगा। अच्छा ओके। लोगों ने कहा आप सुझाव बहुत अच्छे देते हैं। अच्छा जो मैं सुझाव देता था कहीं किताबों से पढ़े हुए नहीं होते थे, अच्छा कहीं किताबों से सीख के नहीं थे, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो मैंने सीखा था, हाँ। मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे जो मैंने सीखे थे अनुभवों से, और जो मैंने बचपन में मैंने किताबें पढ़ी थी सफल व्यक्तियों की जीवनियां, हाँ। उनसे जो मैंने सीखा था उन्हीं चीजों को मैं दूसरों को बताता था। लोगों ने कहा आप हमारे यहाँ पे भी आइए और कुछ स्पीच दे दीजिए। अच्छा और उसके लिए लोग मुझे पैसे देने लगे, पहले फ्री में, फिर लोग कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगे। कभी मेरे को 500 रुपये मिलना शुरू हुआ, अच्छा 1000 मिलना शुरू हुआ एक मीटिंग के देने, एक घंटे दो घंटे के, फिर 2000 पे आया, 2000 से 5000 पे आया, 5000 से 10000 पे आया, फिर 10000 से 20000 पे आया, मुझे अभी भी अमाउंट याद है, अच्छा। और 20000 के बाद डायरेक्ट जंप किया, मुझे पर मीटिंग का 50000 रुपए मिलने लगा। अच्छा ओके। इंडिया में एक एक मीटिंग का, इसी इंडिया में कई कंपनियां हैं, कई लोग हैं जिन्होंने मुझे एक एक दिन का 50000 रुपए उस समय दिया। मैं मशहूर हो गया मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक के रूप में। सिर्फ मैं कंपनियों में ही नहीं, मुझे तिहाड़ जेल में बुलाया गया, अच्छा। ट्रेनिंग देने के लिए, अपराधियों को सुधारने के लिए। मुझे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाया गया ट्रेनिंग देने के लिए, मैं वहां जाकर ट्रेनिंग दे रहा। कई बड़ी बड़ी कंपनियों में मुझे इन्वाइट किया गया, आप आइए, मैं वहां ट्रेनिंग देने लगा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में मुझे बुलाया जाने लगा, मैं वहां भी जाने लगा, मगर हर कंपनी में मैं नहीं जाता था। जब तक मैं कंपनी को नहीं जान लेता था तब तक मैं था कहाँ, फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म डायरेक्शन में और एडिटिंग में था, और कहाँ मैं एक मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक बन गया। साथ ही साथ मैं खाली समय में किताबें लिखने लगा। अच्छा। और उसी दौरान मैंने कई मेडिटेशन कैंप की अटेंड की। मेडिटेशन कैंप में जाता और वहाँ मैं मेडिटेशन करता।
उस मेडिटेशन ने मेरी जिंदगी में एक बदलाव लाया, बड़ा बदलाव। वहां जो शांति मिली, वहां जो मुझे जवाब मिले जिसे मैं अपने शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता, वो अनुभव मैं महसूस कर सकता हूं सिर्फ। राइट। दिन बीतते गए, मैं सफल होता चला गया। उसके बाद मैंने वैष्णो देवी के दरबार पे गया। अच्छा। माता को बोला, माँ आज मैं स्वयं लायक हो गया हूँ, तूने मुझे लायक बनाया। अब देख, मैं अपने पैसों से, अपने खर्चे से तेरे पास आया हूँ। खुश होकर वहां मैंने प्रसाद खरीदा अपने पैसों से, वहां मैंने माता के दर्शन किए अपने पैसों से, माता के दरबार पहुंचा अपने पैसे से, मुझे बहुत खुशी मिली। उसके बाद मैं जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटा। मेरी आप हर किताब में देखिएगा, किताब के पहले पेज पर मेरी हर किताब समर्पित होती है माता वैष्णो देवी को। जी। आज की तारीख में अगर मुझे ये दूसरा जीवन मिला, मैं कामयाब हुआ, तो शायद इसके पीछे माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। जी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुतों के पास है, बहुतों के पास। एक मन की शांति, अगर मन की शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। लोग सिर्फ पैसे की तरफ भाग रहे हैं, पैसा 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 कमाने के लिए। मैं कहता हूं पैसे की तरफ ना भागो, पैसे के बदले अपनी आत्म शांति की तरफ भागो। अच्छे काम करो सर। जब आप अच्छे काम करेंगे, एक आत्म संतुष्टि मिलेगी। वो जो आत्म संतुष्टि मिलती है ना, वो पैसे से बहुत बड़ी होती है। जी जी जी। बहुत बड़ी चीज, इसका कोई मुकाबला नहीं सर। फिर डायरेक्ट सेलिंग से कैसे कनेक्शन बना सर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। समय बीतते जा रहा था, मेरी किताबें आती जा रही थी, मेरी किताबें लोग पसंद कर रहे थे, मैं एक सफल लेखक बन गया। जी। एक के बाद दूसरी किताब, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से करीब मैंने 15 किताबें लिखी। मैंने किताबें लिखी हिंदी में। जी। सिर्फ हिंदी में, क्योंकि हिंदी भाषा से मेरा एक अलग प्रेम है। जी जी जी। आत्मा से निकलती है। हाँ। मेरी फीलिंग्स होती है उसके अंदर। मैं हिंदी में ही लिखता रहा, मगर मेरी किताबें लोगों ने पढ़ने के बाद उसे ट्रांसलेट की। अच्छा। ओके। उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, बंगला में ट्रांसलेट हुई, उड़िया में ट्रांसलेट हुई, असमीज में ट्रांसलेट हुई, तमिल में ट्रांसलेट हुई। अच्छा। तेलुगु में ट्रांसलेट हुई। वंडरफुल। तो इस तरह करीब 12 भाषाओं में मेरी किताबें ट्रांसलेट हुई। 15 पुस्तकें मेरी 12 भाषाओं में प्रकाशित होने लगी। जी। विशेष तौर पर मैं किताबें लिख रहा था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर। इस नेटवर्क मार्केटिंग पर किताबें लिखने के पीछे कारण था सर। कारण यह था कि मैं जान चुका था कि भारत के अंदर भविष्य, अगर कोई उज्जवल भविष्य होने वाला है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ही होने वाला है। अच्छा। लोग मेरी बातों को नहीं मान नहीं रहे थे। कोई भी मेरी बात को नहीं मान रहा था। राइट। मगर मेरी आत्मा से एक जवाब आ रहा था कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही भारत में राज करेगा। राइट। हमारे इंडिया के अंदर स्थिति कुछ अलग थी। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बोलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही थी। ट्रू ट्रू। ये 2000 के आसपास की बात है। उसके बाद अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है। राइट। आज की तारीख में भी। राइट राइट। ट्रू। कई ऐसी कंपनियां हैं, लोगों को कहती है कि आप 1000 रुपए लगाओ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइकिंग करनी है। हाँ, यस। फेसबुक पेज पे लाइकिंग करनी है और आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आप 1,00,000 रुपए लगाओ, 1 साल बाद आप 2,00,000 रुपए ले लो। जी जी जी। अब आप बताइए, बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना किसी प्रोडक्ट के कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आज की तारीख में भी क्या है, हर इंसान को देखो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल रहा है। मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं। सर, में एक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाइए। अच्छा। हम आपको मैनेजिंग डायरेक्टर रखना चाहते हैं इसका। आप सारा क्रीम आप लो हमारे साथ बैठ कर। राइट। मैंने उनसे पूछा क्या चीज है। कहते ये प्रोडक्ट रख रखे हैं, मार्केट में मिल रहे हैं, 1000 का प्रोडक्ट है, हमें 5000 सीधा बचता है। अच्छा। लोगों को क्या मालूम, लोगों को हम 6000 में देंगे, 10000 में देंगे।
लोग नेटवर्क मार्केटिंग बताएंगे और पैसा नहीं लेंगे। उन्हें पैसा, लोग तो पैसा देखते हैं ना, राइट, लोग प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, मेरे को बोल रहे हैं प्रोडक्ट छोड़िए, प्रोडक्ट तो कुछ भी दे दो, जब जुड़ जाते हैं ना कुछ भी दो सब खरीदेंगे वो। कहता उन्हें सिर्फ बताएंगे प्रोडक्ट मत देखो, बिजनेस देखो, अपॉर्चुनिटी देखो, पैसा मत देखो, ये अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है क्या आपको? 10,000-20,000 में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप रो रहे हो प्रोडक्ट को। अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं बेसिकली। हाँ, कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, छोड़ो बाकी चीज। ये पैकेज, ये टूर पैकेज, ये या प्रोडक्ट भी कोई ऐसा है कि बिना मतलब का हार माला पहन लो, माला पहन लो, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जी 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 जी, श्री यंत्र बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, right. लोग बेवकूफ बने जा रहे हैं, लोगों को मालूम ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या। इतना खूबसूरत बिजनेस, right. इतना अच्छा बिजनेस, और यहाँ पर लोग चीटिंग्स कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं। कोई स्टडी नहीं करी, कोई पढ़ाई नहीं करी, नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनर बन के बैठे हुए हैं लोग। मेरे एक मित्र हैं सर, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जो ट्रेनर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग पर ट्रेनिंग देते हैं, ज़्यादातर वो मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो गए हैं। हाँ, तो असफल होने के बाद जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हुआ जाता है उस पर व्याख्यान देते हैं, बड़े लंबे लंबे वर्कशॉप करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मैं भी देख चुका हूँ सर। आप देखिए जितने ट्रेनर बन रहे हैं आज की तारीख में, जितने भी ट्रेनर अपने आप को बोलते हैं मैंने इतने लोगों की ज़िंदगी बदली, ये करी ये करी, और वो नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हैं। मैं ये कहता हूं आपसे, जो भी आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ट्रेनर बनके खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जो बोलता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहा हूं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग के गुर सीखने के लिए मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा, मैं आपको कामयाब बनाऊंगा, आप उनसे एक बार प्रश्न पूछिए कि आप कहां पर कामयाब हुए हैं पहले ये बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने कौन से कीर्तिमान स्थापित किए पहले ये बताइए। आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा क्या करके दिखा दिया, आप ये तो बताओ कि लोग आपको सुने, आपसे सीखें। आप मुझे कुछ सिखाने वाले हैं जी, जी। जो मुझे सिखाने वाले हैं, क्या आपने ये काम किया है? आपने किया मगर वहां पर तो असफल हुए। आप एक असफल होके मुझे सफलता के पाठ क्या सिखा सकते हैं? मैं कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से, अगर सफलता के पाठ सीखने हैं तो उस व्यक्ति से सीखो जो स्वयं सफल है। जो असफल है वो सफलता के पाठ कैसे सिखा सकता है? उसे मालूम ही नहीं सफलता कैसे पाई जाती है, सफलता कैसे मिलती है, उसे सफलता देखी नहीं, सिर्फ वो किताबें बातें पढ़ रहा है या कहीं पे सुन लिया उसको बोल रहा है, सिर्फ एक वक्ता के रूप में खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, पर उसके बैक में उसकी सफलता देखें कहीं कुछ नहीं। और जबकि सर हमारी इंडस्ट्री में तो ये कहा जाता है कि ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है और यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है, एक आदमी पहले किसी चीज़ को अचीव करता है और फिर वो बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करके आप उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा सर, इस धरती के ऊपर अगर व्यक्तित्व विकास के ऊपर बात की जाए, एक इंसान के इंप्रूवमेंट की बात की जाए जी, तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं एक बात जरूर कहूंगा दर्शकों से, आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। आपका व्यक्तित्व विकास जरूर हो जाता है, कुछ मिले चाहे ना मिले, राइट, आप अपने आप को एक अलग पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा, आपका व्यक्तित्व टोटली बदल चुका होगा, राइट, आपके उठने का ढंग, बैठने का ढंग, चलने का ढंग, लोगों से बात करने का ढंग बदल चुका होगा, आप एक व्यवहारिक व्यक्ति बन चुके होंगे। वंडरफुल सर, लोग आपसे मोहब्बत करने लगे होंगे, राइट, लोग आप दिल जीतना सीख चुके होंगे, एक सम्मानित, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, बेशक आर्थिक रूप से सफल नहीं बने मगर जहां भी जाएंगे लोग आपको सम्मान करेंगे। वंडरफुल सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही कैसा बिजनेस है, जहां आप जाते हैं अपनी टीम में कहीं पे, वहां आपको फूलों से, माला से आपका स्वागत किया जाता है, राइट, लोग आपके लिए क्लैपिंग्स करते हैं, लोग आपके लिए वेलकम करते हैं, लोग आपके लिए अच्छा अच्छा खाना आपके सामने लाके रखते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ उनका गुरु उनके सामने आया है, जी जी, उनका मार्गदर्शक उन्हें उनके सामने आया है, क्योंकि आप उन्हें अच्छे संस्कार सिखा रहे होते हैं और जो भावना होती है वहां पे, हाँ, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल रियल होती है। हाँ, क्योंकि वो रियल इसलिए होती है कि मैं यहां बता दूं, सफल वही होगा सर इस इंडस्ट्री में जो अपने एक्टिव अप्लाई,
एक अच्छे अपलाइन के आदर्शों को पालन करेगा, उसको कॉपी करेगा, डुप्लीकेट करेगा उसको, एज इट इज करेगा। सर आप बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे, नाम हो गया था, किताबें आ गई थी विभिन्न भाषाओं में, तो उस समय ये निर्णय लेना कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में उतरूंगा, एक डायरेक्ट सेलर के रूप में काम करूंगा, घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करूंगा, लोगों से मिलूंगा, उनके यू नो ऑब्जेक्शन सुनूंगा, उनकी ना सुनूंगा, तो ये डिसीजन आसान था? ये डिसीजन आसान भी था, कठिन भी था सर, और ये डिसीजन मैंने जानबूझ के लिया सर। मैं चाहता हूं कि भारत तरक्की करे, विकास करे सर, मगर एक चीज देख रहा था कि हमारे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर धोखाधड़ी बहुत हो रही है, ट्रू, बेईमानी हो रही है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है, गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको इसमें लाया जा रहा है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस, सबसे बेहतरीन काम, राइट। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि इस धरती पर अगर सबसे अच्छा कोई काम है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का है। बहुत सही है सर, इससे अच्छा ज्ञान, इससे अच्छे संस्कार और इससे अच्छी इनकम कहीं नहीं आ सकती। ट्रू, शर्त ये है सही कंपनी में जुड़ना, सही कंपनी के साथ काम करना, राइट है। मगर यहां पर भारत में सही कंपनी के साथ साथ ज्यादातर कंपनियां गलत काम कर रही थी, चिट फंड चला रही थी, मनी सर्कुलेशन कर रही थी और लोगों को बेवकूफ बना रही थी, राइट। आज की तारीख में भी अनगिनत कंपनियां लोगों को ठग रही हैं, बेवकूफ बना रही हैं, चीटिंग कर रही है, राइट। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को बेच रही है, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को, लोगों को लालच दे रही है, अरे जल्दी अमीर बनना है हमारे पास आ जाओ, देखो जल्दी इनकम आएगी, इतनी इतनी इनकम आएगी। लोग ना तो उस कंपनी का बैकग्राउंड देख रहे हैं, ना तो उस कंपनी के प्रमोटर को देख रहे हैं, उस कंपनी का मालिक कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या किया है, राइट। ये नहीं देखते कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान एक्चुअल में सही है या नहीं, कि सिर्फ कागज पे है, राइट। कंपनी जो इतना पैसा देगी कहां से देगी, कंपनी सही भी बोल रही है गलत बोल रही है, ट्रू, क्या गारंटी है इस कंपनी की कि कंपनी छह महीने बाद भी रहेगी या एक साल बाद भी रहेगी, या जो आपसे वादा कर रही है ये आपको पूरा करेगी। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोगों ने टीम को तैयार किया, लोग लीडर बने, राइट, बहुत बड़ी इनकम जब आने लगी कंपनी ने उसे टर्मिनेट कर दिया, पूरी टीम कंपनी के पास आ गई। अब वो अपनी टीम को बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, राइट, मगर उसकी टीम के लोग क्या कह रहे हैं, भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो काम कर रहे हैं, हमको तो थोड़ा इनकम आ रहा है ना, आप यार मुझे हम नहीं छोड़ के जा सकते, अब इतनी टीम को छोड़ के कैसे जाएं। सही बात है, वो डर रहे हैं, राइट राइट, वो कह रहे हैं कि भैया अब जो थोड़ी बहुत भी इनकम आ रही है वो बंद हो जाएगी, मैं बाहर जाके क्या करूंगा, दूसरे काम में मुझे इतना पैसा मिलेगा नहीं। अब ये मोहरा बनकर वहां पर काम कर रहा है, एक दिन क्या होता है ये भी आगे बढ़ जाता है, इसकी टीम बढ़ जाती है, इसको हटा दिया जाता है, अब इसको हटा, अब ये अपनी टीम को बोल रहा है, अब उसकी टीम के लोग नहीं मान रहे, वो कहते हैं भैया हमारे पास तो इनकम आ रही है, हम कैसे चले जाएं, थोड़ी बहुत पैसा तो आ ही जाए ना, राइट, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहां, इतने लोगों को ज्वाइन किया है, अगर हम चले गए तो लोग तो हमें मारेंगे, लोग तो हमें पीटेंगे, वो डर के मारे कुछ लोग जा नहीं पा रहे, हमारे चला गया छोड़कर इतनी टीम की इतनी मेहनत की जीरो हो जाएगी, राइट। उसे ये नहीं मालूम आने वाले समय में वैसे भी जीरो होने वाला है, कंपनी वो बंद हो जाने वाली है, राइट, कंपनी एक दिन आपको निकाल के वहां से फेंक देने वाली है, जिसके कुछ एथिक्स नहीं है, कोई बड़ी सोच नहीं है, तो लंबे समय तक चलेगी नहीं, वो कंपनी सिर्फ पैसा बनाने के लिए है। तो इन सारी चीजों को देख के आपने सोचा कि आपने आना चाहिए? मैंने देख सोचा कि अब समय है कि मुझे आके लोगों को सही बताना चाहिए, सही कंपनी कौन सी है, गलत कंपनी कौन सी है। बहुत सही। तो इसी प्रकार बहुत सी कंपनियां अच्छी थी, एक कंपनी का मैंने भी चुनाव किया, राइट, और मैं उसमें जुड़ा 2012 से। अच्छा, जी हाँ, 2012 में मैंने शुरू किया और 3 साल के अंदर मैं उस कंपनी का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बना, और आज तक नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सर इसमें एक बड़ी अच्छी चीज हम जानना चाह रहे हैं, जिस कंपनी में आप 2012 में जुड़े वो कंपनी कब से इंडिया में है? हाँ, वो कंपनी इंडिया में करीब सन 2000 से है। अच्छा, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि जो एक मिथ है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो पहले आ गया
उसी को मिलेगा, जो बाद में आ गया उनको कुछ मिलता नहीं, आम आदमी ऐसा सोचता है। तो आप ये कह रहे हैं कि कंपनी 2000 में स्टार्ट हुई इंडिया में, 2012 में आए, और आपने मात्र 3 साल में उन लोगों को भी एक प्रकार से, उनसे भी आप आगे निकल गए जो 2001 में काम कर रहे थे। बिल्कुल, क्या है हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है, ये भ्रम भी किन्होंने फैलाया है, जो गलत कंपनियां हैं, राइट, जो कंपनियां फ्रॉड करती है, चीटिंग करती है, धोखाधड़ी करती है, वो कहते हैं पहले आईडी ले लो आपकी इनकम बहुत आएगी, राइट, जो पहले जुड़ गया उसके पास आएगा, जो बाद में जुड़ेगा उसे कुछ नहीं मिलने वाला, भैया जिसने कमाना था उसने तो कमा लिया, अब जुड़ के इसमें कोई फायदा नहीं। बिल्कुल गलत बात। असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो है जिसमें अगर आप आज भी जुड़ते हैं और कल आप करोड़पति बन सकते हैं, बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं, मतलब उसके प्लान में ये ताकत होनी चाहिए, ताकत प्लान ही नहीं, उस कंपनी में, हाँ, उसके प्रोडक्ट में, उस सिस्टम में, वो सब जेन्यून होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, राइट राइट राइट। बाकी जगह नकली दिखाया जाकर आप करोड़पति बनेंगे, हाँ, नकली कंपनियां क्या करती है, सपने बेचती है दूसरों को, सपने दिखाती है, सिर्फ सपने दिखाकर बिजनेस उठाती है, और अच्छी कंपनियां प्रोडक्ट बेचती हैं, नहीं असली कंपनियां सपने साकार करती है, साकार करती हैं, राइट, दूसरी कंपनियां सपने दिखाती हैं, सिर्फ सपने दिखाती है, राइट राइट, सपने दिखाकर पैसा इकट्ठा कर, सपने बेचकर, सपने बेच रही है, पर वहां साकार कभी नहीं होते, राइट, अच्छी कंपनियां सपने दिखाती नहीं है, सपनों को साकार करती है, पूरा करती है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में दम होता है, क्यों, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में दम होता है, क्यों, क्योंकि सिस्टम में सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, विश्वास होता है, वो कंपनी जेन्यून होती है, हाँ, वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। प्रिया सिन्हा जी के पास में जितना अनुभव, जितना ज्ञान और जितने इमोशंस हैं वो एक एपिसोड में हम लोग कवर नहीं कर सकते। आज हमने बहुत कुछ सीखा, आज के इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और अगले एपिसोड में दोबारा हम सूर्य सिन्हा जी से मुलाकात करेंगे। आज का एपिसोड सर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, थैंक यू सर।